नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते यह अपनी जनरल साइंस दे एनवायरनमेंट टॉपिक दी फोर्थ क्लास। जे इस तो पहला वाली वीडियो तुसी नहीं देखी तो वीडियो दे एंड विच तुहानू उन्हां वीडियोज़ दे लिंक मिल जाएंगे, उत्थे जाके तुसी वो चैक कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हुण आपां सीधा अपना मोटिव ते आउंदे हां। तो क्वेश्चन नंबर 54 की गल करिए, एजेंडा 21 किस नाल संबंधित है? दोस्तों यह धरती रिलेटड सम्मेलन होया सी जो रियो शहर विच होया सी, तां करके इसनूं एजेंडा 21 सम्मेलन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 की गल करिए, विश्व जंगलात दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व जंगलात यानी फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। दोस्तों इनवायरमेंट रिलेटड जोड़े भी इंपोर्टेंट डे ने इस वीडियो में मैं इनकलूड किए ने, तो करके इन्हों डेज़ में रट लो तुसी एक बार, क्योंकि पंजाब के प्रीवियस जोड़े भी एग्जाम हुए हैं उन्होंने रिलेटड एक या दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट डेज रिलेटड पूछे गए ने, करके मैं इस वीडियो में इनकलूड किए ने। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 की गल करिए, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 57 की गल करिए, विश्व विज्ञान दिवस कदों मनाया जाता है? तो 2 फरवरी विश्व विज्ञान दिवस सैलीब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 की गल करिए दोस्तों, कवेंट्री जंगलात का दिन किस दिन मनाया जाता है? मतलब कवेंट्री जंगलात दिवस होंगे एक, वह कदों मनाया जाता है? तो 21 मार्च में कवेंट्री जंगलात दिवस मनाया जाता है। कई मेरे वीर ने वीडियो में कमेंट किया कि सर ब्रीफली क्लासेस दो, थ्यूरी भी समझाओ, तो मैं भी मन बना लिया कि चलो नैक्सट क्लास जो थ्यूरी तो देवगा, मतलब जो भी ये इनवायरमेंट का टॉपिक है इसकी थ्यूरी समझावगा, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड करवावगा। पर हूँ मैं बाद सोचा थ्यूरी तो तुम बुक्स में भी पढ़ सकते हो। तो मेन प्रॉब्लम की होंगी है दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह के क्रिएट होंगे ने एग्जाम विच ओहो दसना ज़्यादा जरूरी ने, क्योंकि जे तुहानू क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो तुसी कन्फ्यूज़ हो जाओगे एग्जाम विच कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन तो मैं बुक विच अपनी थ्योरी विच पढ़िया ही नहीं, तो मैं इसका जवाब की देवां। तो जो भी यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़े सामने ने, इस टाइप के ही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड चलो थ्योरी वाइज थोनू मैं ब्रीफली चैप्टर नहीं समझा सकता, बट साइंस के जिन्हें भी चैप्टर्स ने उन्होंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट MCQ तुहानू जरूर प्रोवाइड करवा सकता, वह भी तुहानू चैप्टर वाइज ही प्रोवाइड करावगा। एवें आपां विच विचाले वाला काम नहीं करते इस वीडियो विच, मीन जिवें तुसीं इत्थे देख सकते हो यह साइंस के इंपोर्टेंट टॉपिक्स ने जिन्हां विचों आपां नूं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपां हुण फस्ट टॉपिक जिहड़ा इनवायरमेंट स्टार्ट किया होया, अपनी वीडियो थ्रू जिन्हें भी इनवायरमेंट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ना वह सॉरी आप वीडियो थ्रू कवर कर लेवेंगे। जदों यह कंप्लीट हो जाता अपना इनवायरमेंट, फिर आप लाइफ ऑफ साइंस स्टार्ट करेंगे, उस तो बाद लिविंग ऑर्गनाइजेशन, तो इस तो बाद जो भी अपने निश्चित टॉपिक ने यह सारे ईजीली आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, फिक्र ना करो, थ्यूरी है तुसी अपनी बुक्स विचों रीड करो, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी उस थ्यूरी विचों बनते हैं वो सारे मैं तुहानू इन्हां वीडियो थ्रू प्रोवाइड करवा देवां। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 की गल करिए हुण, तो विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 22 मार्च में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 की गल करिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय धरती दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल अंतरराष्ट्रीय अर्थ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की गल करिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कछू सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों टर्टल सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, मैं भी पहली बार सुने वैसे, 23 मई अंतरराष्ट्रीय कछू सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 की गल करिए दोस्तों, विश्व वातावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून विश्व वातावरण दिवस सैलीब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 की गल करिए, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 64 की गल करिए दोस्तों, सुंदरबन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सुंदरबन दिवस दोस्तों विश्व नहीं है, मतलब इंटरनेशनल इंपोर्टेंस डे भी नहीं आता, मतलब यह नैशनल इंपोर्टेंस डे विच आता है। हुण क्वेश्चन इत्थे किवें कन्फ्यूज़ करते हैं एग्जाम विच, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 62 नूं लै लो तुसीं एक बारी, तां क्वेश्चन एग्जाम विच किवें बन सकदा है? सिर्फ एमए भी लिखा हो सकता है कि वातावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। हुण आपां कन्फ्यूज़ नहीं होना, जे एमए लिखा तां आपां नैशनल जो अपना वातावरण दिवस है उसकी डेट पाउणी है, जे विश्व या इंटरनेशनल लिखा होया इसके सामने तां आपां नूं इंटरनेशनल इंपोर्टेंट डे दी दिवस पाउणी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की गल करिए, किन्ने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन वायुमंडल में पाए जाते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड की गल करिए 0.03% है, तो आर्गन की गल करिए 0.93% आर्गन की एसटी है अपने वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 66 की गल करिए दोस्तों, ब्रह्मांड में केड़ी गैस सब तो ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों इतने क्वेश्चन समझने वाला इतने मतलब कि अपने एटमोसफेयर नहीं कहा, वर्ल्ड विच नहीं किया, इतने पूरा यूनीवर्स यानी पूरा ब्रह्मांड उपर चंद तारों तो लैके धरती तो लैके सारे विच केड़ी सब तो ज़्यादा गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड विच सब तो ज़्यादा पाई जाती है। तो एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुम्हें होर देना चाहना, पोल्ट्री दे कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब अते जनरल साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल जो तुम खरीदना चाहते हो तो यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके तुसी यह इंपोर्टेंट PDF फाइल में परचेज़ कर सकते हो। इस PDF फाइल में सारे प्रीवियस एग्जाम जो भी क्वेश्चन बने से जां उन्होंने रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम बन सकते हैं इस PDF फाइल में इंक्लूड किए गए हैं, तो इस बार भी यह PDF फाइल काफ़ी बेनीफिट होने वाली है पंजाब आने वाले हर एग्जाम वास्ते। चाहो तो तुम मैं इंस्टाग्राम आईडी उपर फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर यह बाय कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 67 की गल करिए, वायुमंडल में कौन गैस सब तो ज़्यादा पाई जाती है। हम दोस्तों वायुमंडल की गल आई है ना कि वर्ल्ड की आई है ना ही पूरे यूनीवर्स की आई है, तो वायुमंडल में कौन सब तो ज़्यादा गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। हम कन्फ्यूज नहीं होना, उपर आप पढ़िया से ब्रह्मांड में सब तो ज़्यादा गैस कौन पाई जाती है, तो हाइड्रोजन सब तो ज़्यादा गैस पाई जाती है। बट एटमोसफेयर की गल करिए नाइट्रोजन गैस सब तो ज़्यादा 78.09% गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 की गल करिए दोस्तों, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 20.95% मतलब 20.95% ऑक्सीजन की मात्रा एटमोसफेयर में पाई जाती है। जो दोस्तों तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर को चंगी तरह पढ़ना चाहते हो, वायुमंडल की बढ़तों को चंगी तरह पढ़ना चाहते हो, तो वीडियो के एंड में तुम्हें एक वीडियो मिलेगी जो मैं पटवारी के रिलेटेड बनाई थी, तो वह जो वह वीडियो तुम एक बार देख ली तो कदम भी स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर के पूरे ढांचे नहीं भुल सकोगे, तो हर क्वेश्चन थोड़े माइंड में सैट हो जाएगा क्योंकि वह मैं ब्रीफली समझाई हुई है, तो करके एक बार जरूर देख लो जो ये चैप्टर चंगी तरह क्लीयर करना। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की गल करिए, वायुमंडल में कितने प्रतिशत न्यून गैस है, तो 0.0018% न्यून गैस वायुमंडल में है। तो क्वेश्चन नंबर 70 की गल करिए दोस्तों, हीलियम वायुमंडल में कितने प्रतिशत गैस है, सॉरी इतने क्वेश्चन रोंग हो गए, यह सिर्फ हीलियम बारे पूछा गया इस क्वेश्चन में, हीलियम गैस कितने प्रतिशत अपने वायुमंडल में, 0.0005% हीलियम गैस वायुमंडल में इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 71 की गल करिए, मिथेन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, 0.0001% मिथेन गैस वायुमंडल में इंक्लूड है। एंड क्वेश्चन नंबर 72 की गल करिए, भारत में ओजोन पर की मोटाई सब तो वध अते सब तो घट किहड़े एरिए विच है, मतलब किहड़े राज्य विच है, श्रीनगर अते त्रिवेंद्रमपुरम विच, मतलब श्रीनगर में जो मोटाई है वह सब तो ज़्यादा है ओजोन परत की, त्रिवेंद्रमपुरम सब तो घट है। तो क्वेश्चन नंबर 73 की गल करिए दोस्तों, सुपरसोनिक जहाज होंगे ने जोड़े उन्होंने निकल वाली कि गैस ओजोन परत को पतला कर देती है यानी नुकसान पहुँचा देती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, जोड़े सुपरसोनिक जहाज जिन्होंने आप जैट कह दें तो उन्होंने नाइट्रोजन निकलती है, तो वह ओजोन परत वास्ते हानिकारक होंगी है। तो क्वेश्चन नंबर 74 की गल करिए दोस्तों, सब तो उचित कार्बन डाइऑक्साइड वाला देश कौन है, जिसे सब तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड है जोड़े देश में, उस बारे इस पूछा गया है, तो चीन में सब तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 75 की गल करिए, 2 मई 2018 में जारी की गई सूची अनुसार दुनिया का सब तो प्रदूषित शहर कौन है, तो दोस्तों दुनिया का वर्ल्ड का पूछा इन्होंने, तो दिल्ली देख लो, दिल्ली सब तो प्रदूषित शहर 2018 की WHO की लिस्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली सब तो प्रदूषित शहर मनिया गया है। चलो दिल्ली तो अपने पूरे वर्ल्ड का प्रदूषित शहर है, हुण तुहाडे वास्ते एक क्वेश्चन मैं दिंदा कि अपने पंजाब का सब तो प्रदूषित शहर कौन है, गूगल जाओ और सर्च करो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन पंजाब बाय WHO लिस्ट, एंड जो तुहानू इसका आंसर मिल जाता तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दिओ तां जो मेरी भी एग्जाम रिलेटेड हैल्प हो सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की गल करिए, बायोडीजल में सल्फर की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 0.001% जो बायोडीजल में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों ऐसी जनरल साइंस में इनवायरमेंट टॉपिक के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਉੱਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਉ।